चीजों पर ना उतरूं, इसलिए मैं अपने साथ 5-6 बाउंसर्स लेके जाती हूँ। 4 बाउंसर्स इधर, 4 बाउंसर्स इधर, मैं बीच में ऐसे। फिर बोलो, कौन सा फिल्म स्टार नहीं चाहता कि फैंस उसके मुरीद हो। हम आपको बता दें कि भोजपुरी में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके दीवाने कई हैं, लेकिन आम्रपाली की बात अलग है। क्यों आम्रपाली अपने साथ 8 से 10 बॉडीगार्ड रखती हैं, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि आम्रपाली दुबे जब अपने फैंस के बीच जाती हैं तो उनके साथ 8 बाउंसर चलते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक इंसिडेंस है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। हाल ही में आम्रपाली दुबे ने अपने दिए गए इंटरव्यू में ये बताया कि मैं अपने साथ 8 बाउंसर इसलिए रखती हूँ कि मेरे साथ एक बार ऐसा वाकया हुआ था जो कि मुझे भुलाए नहीं भूलता, और जब भी मैं उस वाकये को याद करती हूँ तो मेरे गूब्स बम आ जाते हैं। तो वही वाकया हम आपको आज बताने वाले हैं। बात तब की है जब आम्रपाली दुबे की पहली फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म को 50 दिन पूरे हो गए थे, और दर्शकों का इस बात पे शुक्रिया अदा करना तो बनता है। तब उस वक्त निरहुआ आम्रपाली सभी ने ये सोचा कि दर्शकों का शुक्रिया अदा करने के लिए वो सिनेमा देख रहे लाइव दर्शकों के पास जाएंगे और वहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। ये सारा काम उन्होंने पहले से सोच कर रखा था, इसलिए जगह उन्होंने चुनी बिहार। जब वो बिहार के दर्शकों के पास जाने की सोची और ये अनाउंसमेंट हो गई कि निरहुआ फलाना सिनेमा में आने वाले हैं दर्शकों को शुक्रिया अदा करने के लिए, तो जैसे ही लोगों को ये पता चला कि निरहुआ वहाँ आने वाले हैं, उस सिनेमा घर के सामने बहुत सारी भीड़ जुट गई। और जैसे ही निरहुआ और फिल्म के पीआर निशांत उज्जवल ने देखा कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि आम्रपाली दुबे को वो गाड़ी में ही छोड़ देंगे और वो जाकर दर्शकों को वेव करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे और फिर रिटर्न गाड़ी में आकर दूसरे सिनेमाघर की तरफ चलेंगे। जैसे ही निरहुआ निकलकर गाड़ी से तुरंत सिनेमाघर की तरफ गए, तब दर्शकों ने, या यूं कह लें कि उनके कुछ फैंस ने, सिनेमा घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी जिसमें निरहुआ, निशांत उज्जवल, फिल्म के पीआरओ और ड्राइवर थे, गाड़ी को ठेलना शुरू किया और गाड़ी कभी एक तरफ और दूसरी तरफ जाती, और तो और दरवाजों पे लगे शीशे यानी कि जो खिड़कियां होती हैं गाड़ी की, उन्हें भी खटखटाना शुरू किया। आम्रपाली दुबे बताती हैं, वो एक्सपीरियंस जब मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग हमें इशारा कर रहे थे कि बाहर आओ बाहर आओ, और फिल्म के पीआर ये जानते थे कि अगर आम्रपाली दुबे बाहर गई तो उनकी क्या हालत होगी, इसलिए उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला। और तब आम्रपाली दुबे ये बताती हैं कि उस वक्त न जाने कितनी मनौतियाँ मैंने मानी हो कि भगवान किसी तरह मुझे यहाँ से बचा के निकाल ले, किसी भी तरह मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा आम्रपाली दुबे को देखने के लिए बेकाबू हो रही थी कि लोग गाड़ी को ही ठेलने लगे। कभी गाड़ी दाई तरफ जाती तो कभी गाड़ी बाई तरफ जाती। ये सारा एक्सपीरियंस आम्रपाली बताती हैं कि इतना डरावना था कि जैसे ही निरहुआ को आते मैंने देखा, मेरे जान में जान आई। निरहुआ समझ गए पूरी स्थिति को और वो दौड़कर गाड़ी में आकर बैठे, और तुरंत वहाँ से आम्रपाली, निरहुआ, फिल्म के पीआरओ और ड्राइवर निकल पड़े। और इस एक्सपीरियंस को आम्रपाली ये बताती हैं कि ये अब तक का मेरा सबसे डरावना एक्सपीरियंस था, और तब से मैं जब भी फैंस के बीच जाती हूँ मेरे 8 बॉडीगार्ड मेरे आगे पीछे रहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।